उस वीडियो में आपने देखा कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, जब वो अपनी परछाई को देखते हैं तो उसे अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा इक राजत। सूरदास जी क्या कहते हैं कि किलकारियां मारते समय, हंसते समय, किलकारते समय जब वे हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं, द्वय दतिया जो दो दांत हैं, वो अत्यंत मनोहर लगते हैं। कृष्ण जी बार पुनि पुनि तेहि अहिगावत और बार बार अपनी परछाई को पकड़ते हैं। कनक भूमि, सोने के भूमि अर्थात स्वर्ण भूमि पर कर पग छाया या उपमा इक राजति। ये एक उपमा दी जा रही है कि कर कर मतलब हाथ, पग मतलब पाँव, तो हाथ और पाँवों की छाया से ऐसी एक उपमा प्रस्तुत हो रही है, मानो श्री कृष्ण जो हैं वो बार बार कमल के फूल के समान बैठे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सख नुरख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तेले ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावती। फिर सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण जी मानो कृष्ण भगवान प्रत्येक मणि में, प्रत्येक आंगन की जो मणियां लगी हुई हैं, जो सोने का आंगन है उसमें ऐसे बैठे हुए जैसे कमल कमल बैठ के साजद, कमल का आसन बिछा रखा गया है और उस पर वो बैठे हुए हैं। उनके ऐसे प्रतिबिंब बाल दशा सुख, ऐसे बालपन की दशा को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने पुत्र कृष्ण की बाल्यावस्था से प्राप्त होने वाले सुखों को देख देख कर इतना मोहित हो जाती हैं और अपने पुत्र को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगती हैं। फिर आगे उस समय, अब सूरदास जी ने किस समय का वर्णन किया है, जब कृष्ण भगवान थोड़े से बड़े हो गए हैं और आपको जैसे पता है कि नंद बाबा के घर में क्या था, बहुत सारी गायें थीं और गायों को चराने के लिए बाहर जाते थे ग्वाल बाल। तो ग्वाल जो लड़के होते थे उनको वो सब, उस समय जो छोटे बच्चे थे वो सब साथ साथ जाते थे और बड़े लोगों के साथ। तो कृष्ण भगवान का उस समय का वर्णन किया गया, वो माता यशोदा से क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरइयो, प्रात होत बाल के संग जइयो, तेरे कहे न रइयो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं माँ, मैं भी अपनी सारी गायों को चराने जाऊंगा, सुबह होते ही मैं अपने भाई बलदाव के साथ जंगल जाऊंगा और तुम्हारे तेरे कहे न रइयो, तुम्हारे कहने से मैं अब घर में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहे गो जागत। फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि आज मैं बिल्कुल भी, जब मैं सुबह इस समय में क्या करूँगा, आज न सोऊँ, आज मैं बिल्कुल भी सोऊँगा नहीं, जिससे मैं सो जाता हूँ तो सुबह ग्वाल बाल के साथ में जा नहीं पाता हूँ। मैं ग्वाल बालों के साथ में जाऊँगा और मैं नेको होने को, मतलब जरा सा भी मुझे गायों के बीच में उन लोगों के साथ मुझे जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और इसीलिए मैं आज नहीं सोऊंगा, पूरी रात में जागूंगा। और ग्वाल सब गाय चरइये, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो और प्रात जान में दई हो। फिर कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं रात भर आज जागूंगा और सुबह होते ही मैं ग्वालों के साथ जाकर, साई जब सारे ग्वाल जाकर गाय चराने लगते हैं फिर मैं घर में बैठा रह जाता हूँ, इसलिए अब मैं भी उनके साथ जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं, फिर माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दे हूँ। कहती है, अच्छा हे मेरे लाल, तुम श्याम तुम इस समय सो जाओ, सुबह होते ही, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी।